झारखंड में रोजगार को लेकर युवा जो है आए दिन आंदोलन करते हुए दिखते हैं। एक तरफ सरकार 3 साल के कार्यकाल पूरा होने पर जो है कई सारे कार्यक्रम का घोषणा करने वाली है, दूसरी तरफ सरकार आपके द्वार पहुंच पहुंच के सारी योजनाओं का लाभ बता रही है, लेकिन आखिर क्यों युवा जो है अपने मांग को लेकर सड़कों पर आए दिन कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? पोस्ट ग्रेजुएट हैं। किस विषय से? ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से और मास्टर डिग्री पब्लिक एड से है। क्या नौकरी उकरी का है कुछ वैकेंसी? वैकेंसी फिलहाल तो बहुत सारी है, लेकिन उसको सरकार एग्जाम को लेने में असमर्थ है, और यह असमर्थता जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है, रघुवर की सरकार आई है, तब से है। रघुवर सरकार ने कुछ तो सरकार में गड़बड़ी है कि आप लोग में गड़बड़ी है? सरकार एग्जाम तो ले तब ना पता चले कि हम लोग में गड़बड़ी तो ले ही रही है। जेपीएससी लिया, जेएसएससी लिया, कब लिया एग्जाम? कब बोली रही कब जेपीएससी लिए? नहीं, हम लोग जेपीएससी करवाया सरकार ने, तो वो तो रघुवर सरकार के समय की वैकेंसी थी और उसको क्लियर कराया, अभी तक उसका मार्कशीट नहीं दिया है, तो आरटीआई करते हैं, कॉपी नहीं दिखाता है, कहाँ कौन सा वैकेंसी दिया हो? आप लोग क्या करने वाले हैं? हम 5 तारीख को ट्विटर कैंपेन है, और ट्विटर पर तो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सरकार, इसलिए हम लोग ट्विटर कैंपेन करने वाले हैं ताकि उनके कानों तक ये बात पहुँचे। रोजगार केवल उनके परिवारों के लिए नहीं, हम लोग के लिए भी होना चाहिए। उनके परिवार में विधायक बने, मंत्री बने, नया उनके भतीजी नया नया पार्टी बनाए और आगे जाके नेता मंत्री बनाए। कम से कम हम लोग के लिए जो हम लोग की मांग है, ग्रेजुएट लेवल, कम से कम जेपीएससी चाहे आरएससी लेवल, जितने भी सारी वैकेंसी है उनको कम से कम एग्जाम ले। अगर हम लोग फेल भी हो जाते हैं, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, हम लोग फेल हैं, कम से कम एग्जाम तो ले। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम संदीप मुंडा, हम कांके के रहने वाले हैं। कहाँ तक पढ़े लिखे? हम बीटेक किए हुए हैं और यहाँ पे बीआईटी सिंदरी से। आपका तो टेक्निकल डिग्री है? टेक्निकल डिग्री है, मगर यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। टेक्निकल का भी हालत देख लीजिए, अभी जितना भी पीएसयूज है सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जा रहा है, तो उस पर नहीं जाएंगे हम, जेएसएससी पे बात करेंगे। झारखंड पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, यहाँ के निवासी है, तो हम भी चाहते हैं कि यहीं पे जॉब करें, हम यहीं पे रहें, तो इसलिए हम यहाँ पे रांची के ही है, मोराबादी। 2012 में बीटेक के 10 साल हो गया, रोजगार नहीं मिला। 10 साल से बीटेक करके बेरोजगार है? बेरोजगार ही है यहाँ पे। शादीशुदा घर वाले करने चाह रहे होंगे? हाँ, घर वाले शादी करना चाह रहे हैं, मगर जब तक जॉब नहीं होगा तो बेरोजगारी में कौन देगा? लड़के कौन से आप बेरोजगार है बीटेक करके? कौन सा फैकल्टी से बीटेक? मैंने किया है केमिकल इंजीनियरिंग से। तो आप बाहर चले जाते हैं? बाहर देखिए, बाहर जाना चाह रहे थे, तो बेसिक मेरा डिमांड, हम चाहते थे कि हम यहाँ पे गवर्नमेंट में ही यहाँ पे जॉब करें, ठीक है? तो यहाँ वैसा कोई केमिकल फैक्ट्रीज नहीं है। रोजगार मेला लगाने के बाद वो कितनी की जॉब देती है? 8,000 की 10,000 की 8,000 10,000 में तत्काल में आप जो लोग गए, ठीक है, वो लोग से पूछे वो लोग का क्या हाल है, वो लोग वापस फिर से बैक आ गए, ठीक है? तो इसलिए, और यहाँ पे कोई ऐसा टेक यहाँ पे है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बनाया हुआ जैसा उड़ीसा देखिए। क्या नाम है? प्रियमेश कच्छप। देखिए, बीटेक करके केमिकल इंजीनियरिंग से, और वो भी 1-2 साल नहीं, 10 साल से भाई साहब बीटेक करके बेरोजगार ढूंढ रहे हैं। इस आस में टकटकी लगा है कि रोजगार जो है राज्य सरकार कुछ जो है बढ़िया वैकेंसी निकालेगी और मिलेंगे। गुलाम हुसैन है, काफी आवाज उठाते हैं छात्रों के लिए, जेपीएससी में भी आंदोलन किया, जेएसएससी में आंदोलन किया, लंबित नियुक्ति मामले को लेकर आप लोगों ने पहले भी ट्विटर कैंपेन चलाया, ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। क्या लगता है ट्विटर कैंपेन के माध्यम से कितना जगह पाएंगे सरकार को? सर देखिए, पहली बात आपने जो सवाल किया है ना, हमें सरकार के नीति पे नहीं, सरकार के नियत पे खोट नजर आती है। अगर नियत रहता तो कब का कर चुकी होती, लेकिन चूंकि सर हमने देखा है सरकार को कि सरकार जो है ट्विटर का छोटा सा छोटा अगर मुद्दा भी हो, कोई ट्वीट करता है तो सरकार उसमें गंभीरता दिखाती है और काम को करती है, इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस ट्विटर कैंपेन को बड़ा किया जाए। और 24 जिला के राज्य भर के लगभग 20 से 25 लाख ऐसे युवा हैं जिन्होंने इसका बीड़ा खुद उठाया है कि हम लोग इसे डिजिटल स्ट्राइक के रूप में पूरे झारखंड में इतना बेहतरीन तरीके से डालेंगे। हैशटैग यहाँ पे है कि 5 ईयर्स एज एक्सटेंशन ऑल जेएससी एग्जामिनेशन, तो इस चीज का हैशटैग है। और जिनका उम्र पार हो गया, ज्यादा उम्र जिनका हो गया, उनको भी अवसर मिलनी चाहिए, बिल्कुल। और दूसरा हैशटैग यहाँ पे दिया गया है कि दिया है कि जेएसएससी कंडक्ट ऑल एग्जाम, नहीं तो फिर सरकार छोड़ो, इस तरह का। तो कंडक्ट किया था जेएसएससी? कहाँ किया है? जेएसएससी का एग्जामिनेशन हुआ? नहीं, कोई पेपर लीक वाला मामला हुआ था, वो लिया था जेएसएससी के। तो सर वैसे एग्जाम का क्या मतलब है जो पहले से सेटिंग किया जा रहा है? अब जिस संस्थान को सरकार चुन के ला रही कि ये हमारा
कॉपी जांच करेगी या हमारा एग्जाम लेगी और वही कॉपी को बेच रही है, तो फिर तो गलत है ना वहाँ पे। आपको पता है गुलाम, सरकार आपके द्वार में 21 लाख जो है आवेदन जो है सरकार को प्राप्त हुए हैं और 1 करोड़ आवेदन प्राप्त करके उसका समस्या का हल करने का सरकार का लक्ष्य है। वैसे मैं आप सरकार की नाकामियां गिना रहे लेकिन उपलब्धियां नहीं गिना रहे। सरकार हमारे द्वार आई है ना सर, सरकार हमारे घर तो आई हुई है। हमारे माँ बाप ने भी सरकार से पूछा है कि हमारा बेटा जो 10 साल से जाके बाहर रह के पढ़ रहा है, उसको अपना घर का दाल चावल गेहूं बेच करके वहां पढ़ा रहे हैं, तो हमारा अधिकार है कि नहीं कि उसको रोजगार का अवसर मिलना चाहिए? हम रोजगार सरकार से कब मांगे हैं, कब नौकरी मांगे हैं? हमने कहा है कि आप हमें अवसर दीजिए, हमारे अंदर अगर योग्यता है तो हम उसको लेंगे, हमारे अंदर काबिलियत है तो हम खुद रोजगार लेंगे, इसलिए सरकार से मांग रहे हैं। आप यहाँ पिछले 5 साल से कोई एग्जाम जैसे लिया नहीं है, अब एग्जाम नहीं लिया है तो उसमें तो हमें उम्र सीमा का छूट मिलना चाहिए ना। सरकार ने तो क्लियर कर दिया कि सभी को सरकारी नियुक्ति देना संभव नहीं है, वैसे में जो भी रोजगार करना चाहते हैं स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं उसको सारी सुविधाएं दी जाएगी। सरकार से नियुक्ति कौन मांग रहा है, सरकार को हम अवसर मांग रहे हैं। 3,29,000 जो रिक्त पद खड़े हैं पड़े हुए हैं वो किसके लिए है सर बताइए ना? क्या वो पैरी पुत्रों के लिए है? क्या यहाँ के जो बड़े बड़े बिल्डर्स है क्या उसके लिए है, नेताओं के बेटों के लिए है? कि 3,29,774 सीट है वो हमारे लिए है, तो वो निकाले ना सरकार, क्यों नहीं निकाल रही है? अगर 2 साल भी कार्यकाल बचा, 2 साल कार्यकाल, 3 साल में सरकार ने ढिंढोरा पीट दिया कि हमारे पास कोरोना काल था। कोरोना काल जो पैंडेमिक था ना सर, उसको तो झेल लिया, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का जो पैंडेमिक काल है ना, नहीं झेल पा रहे हैं। कोरोना हमारे लिए एक वैश्विक महामारी थी, लेकिन अभी बेरोजगारी से बड़ा महामारी कुछ नहीं है। आप देखिए ना, यहाँ पे ऐसे युवा बैठे हैं यहाँ पे कि जब वो यहाँ पे आते हैं ना, एक कहावत कहते हैं कि हम यहाँ आए थे बचपन से, लेकिन अब 55 के हो गए हैं लेकिन नौकरी नहीं मिला, नहीं पाए हैं। ऐसे भी स्टूडेंट यहाँ पे हुए हैं, 55 साल के हो गए, बिल्कुल। ये भाई साहब 10 साल से बीटेक कर रहे हैं, 10 साल से। देखिए 15-16 में JCC हुआ था, मैंने उसमें PT क्वालिफाई किया, मेंस होने वाला था, कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद फिर आया, फिर उसके बाद फॉर्म भराया गया, फिर उसके बाद डेट एक्सटेंड। अभी देखिए फिलहाल जनवरी से फरवरी से एग्जाम का शेड्यूल आ रहा, फरवरी में एग्जाम होगा, मई में एग्जाम होगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर, अब साल खत्म। हाँ, अब साल खत्म हो गया, पूरा साल ऐसे ही खत्म हो जाता, वेस्ट हो जाता, आदमी इंतजार करता रहता है, एग्जाम होगा। तो देखिए तमाम जो है आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है, कुछ महिला अभ्यर्थी भी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिर कहाँ तक पढ़ी है, क्या कहाँ तक पढ़ाई लिखाई किया है, किस लिए आप लोग जो ट्विटर पर ये पढ़ाई? तो मैंने MSc BEd MEd सभी किया हुआ है, MSc BEd MEd सारा है, और मैं PGT का तैयारी कर रही हूँ। PGT की वैकेंसी निकाल दी है, ठीक है, और वैकेंसी को टाले जा रहे हैं, मतलब एग्जाम का डेट बढ़ाए जा रहे हैं। एग्जाम का डेट तो निकला ही नहीं, मतलब फॉर्म भरने का डेट को 2-3 महीना मतलब बढ़ाए जा रहे हैं, तो पता नहीं एग्जाम का डेट कब निकलेगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है लोग का। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? अनीता कुमारी, मैं कांके की रहने वाली हूँ। जितने आपकी जैसी है लड़कियाँ जो बेरोजगार हैं, रोजगार करना चाहती है पढ़ लिख कर, ऐसी तो बहुत सारी है, लगभग हजारों में होंगे, कितने की तो क्या बात है, हजारों में होंगे रांची में। मेरा MA कम्प्लीट है ज्योग्राफी से, जी कहीं स्कोप है, लेकिन एक होता है ना कि हमको लेना है JPSC में जाना है, तो दिया था JPSC? जी दिया है, तो 23 मार्क्स से मेरा JPSC नहीं हुआ है, लेकिन अभी हालांकि आया नहीं है उसका मार्कशीट, लेकिन कंक्लूजन है कि 23 नंबर से मेरा नहीं हुआ है, रांची के ही रहने वाले। क्या कहिएगा, 5 तारीख से क्या करने वाले हैं? 5 तारीख को हम लोग जितने भी झारखंड के युवा हैं, हम लोग एक ट्रेंड चला रहे हैं ट्विटर पे, हम लोग डिजिटल स्ट्राइक करने वाले हैं कि सरकार ताकि हम लोग की बात माने, और हम लोग जो चाह रहे हैं, हम लोग को रिलैक्सेशन चाहिए और हम लोग को रोजगार चाहिए, जी एज में रिलैक्सेशन चाहिए, सभी कैटेगरी में, नहीं SC ST, आप ST जनरल में तो है ही ना, जनरल में भी चाहिए, सारे लोग को चाहिए, लेकिन ज्यादा तो SC ST को ही रहता है, लेकिन जनरल को है, सबको मिलना चाहिए रिलेक्शन, 5 साल का रिलेक्शन सबको होना चाहिए, चाहे वो ST हो SC हो, जी सबको मिलना चाहिए। खुशबू कुमारी, चलिए खुशबू कुमारी थी जिन्होंने कहा है कि सभी को उम्र में रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। ट्विटर पे जो कैंपेन की शुरुआत की जाएगी 5 तारीख से, इसमें जो जितने भी वैकेंसियां निकलती है उसमें ताकि उम्र में छूट अगर दी जाएगी तो वह उस एग्जामिनेशन में बैठने के लायक माने जाएंगे। हमने जितने भी स्टूडेंट से बात की है सभी हायर एजुकेशन प्राप्त हैं, सभी पढ़ाई लिखाई MSc BTech करके BEd करके रोजगार की टकटकी लगाए हैं, सरकार को आगाह करेंगे क्योंकि ट्विटर पर सरकार सबसे ज़्यादा एक्टिव दिखती है। इसी कारण अब ट्विटर के माध्यम से ही आप कह सकते हैं कि डिजिटल आंदोलन जो है, सड़कों पर आंदोलन अब बहुत हो गया, अब जो है डिजिटल आंदोलन की तैयारी छात्र कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार कितनी जो है इसको
संवेदन होती है और क्या कुछ संज्ञान लेती है। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।